बात का ध्यान रखें, कनक लेकर पुलिस वृद्धा के साथ चलना है, सड़क पर किसी प्रकार का नृत्य नहीं करना। क्या संदेश देंगे सबका कल्याण हो, संदेश यही देंगे कि सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामना पूरी हो, और जो सच के रास्ते पे चल रहे हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बाधा आ रही है, क्योंकि हार को बाबा श्याम जीत में बदल रहे हैं। यही बताया था, त्रिवेद धाम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना महोत्सव चल रहा है, उसी में शोभा यात्रा निकलती है, उसी के तहत हम लोगों ने भी शोभा यात्रा निकाली है। सारे देवी देवता जो प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं, रथ पर सवार होकर शोभा में हम लोग के साथ साथ हम लोग की तो गोवा भाई ना पूरे नगर भ्रमण में सबको आशीर्वाद मिलेगा। कहाँ तक जाएगी? आजमगढ़ जिला है, तक परमिशन मिला है सरकार से, वहाँ तक जाएगी। फिर वही उद्देश्य क्या है यात्रा? उद्देश्य यही है भाई, मेरा हमेशा का कहना, सुखी पसे संसार, सब सुखिया रहे कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो, ये उद्देश्य है। जो देवी देवता तो दर्शन के लिए लोग जाते हैं, सालों साल मऊ में विराजे रहेंगे, यही दर्शन कर सकते हैं। तो राजा दरबार की, तो अब राजस्थान नहीं जाना पड़ेगा दर्शन के लिए? तो अब राजस्थान नहीं जाना पड़ेगा? मतलब यहाँ भी आनंद मिलेगा हमें, पूरा आनंद, वही आनंद जो वहाँ मिलता है। कहाँ तक जाएगा? अच्छा, क्या है उस उद्देश्य का निकालने का उद्देश्य क्या है? श्याम बाबा की स्थापना हो रही है, किसकी मूर्ति स्थापित की जा रही है? किसकी प्राण प्रतिष्ठा है आज? श्याम बाबा की और सालासर बालाजी की और हरी श्री दादी जी की। तो अब राजस्थान ही जाना पड़ेगा? अब राजस्थान ही जाना पड़ेगा? तो कभी नहीं भूलेंगे, वहाँ तो जाएंगे, अपने काम में आ गए, वो अलग खुशी मिल गई ना। क्या संदेश देंगे? यही